और यहाँ पे एक चैम्बर था जो यहाँ की लेडीज अपने लिविंग एंड द स्ट्रेटेजिक मूव्स यानी कि रणनीति बनाने के लिए प्रयोग करती थी। तो गाइस यहाँ था माधवराव पेशवा का रेजिडेंस यानी कि उनका निवास स्थान। और गाइस यहाँ पर था सदाशिव राव भाऊ का निवास स्थान यानी कि उनका रेजिडेंस जो कि गाइस चिमाजी अप्पा के पुत्र थे। तो गाइस यहाँ पर था एक शानदार सा फाउंटेन जिसका नाम है हजारी कारंजे। और गाइस इसका जो शेप था वो एकदम लोटस फ्लावर जैसा था यानी कि कमल के फूल जैसा। और इसमें गाइस टोटल 96 जेट्स थे जो इस फाउंटेन को और भी ज़्यादा शानदार बनाते थे। तो गाइस यहाँ पर था दादा साहेब का रेजिडेंस यानी कि उनका निवास स्थान। ऐसा बताया जाता है कि इस किले में छोटी मोटी आग भी लगी थी और एक दिन ऐसा भी आया था जब पूरे किले में आग लगी थी और इसकी सारी इमारतें जल के ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद इसके में गाइस ब्रिटिश को हमला भी हुआ था। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं फोर्ट के ऊपर। तो गाइस ये हिस्सा काफ़ी ज़्यादा शांत है और यहाँ पर थोड़ा क्राउड भी कम है। चलिए चलते हैं इसका रास्ता देखते हैं किधर से है। यहाँ पर काफ़ी शांत है गाइस। तो गाइस इधर से उधर घूमने के बाद फाइनली मेरे को उसका ऊपर जाने का रास्ता मिला। तो चलिए चलते हैं ऊपर और जाके देखते हैं ऊपर का कैसा व्यू आता है। तो ये गाइस इसका ऊपर जाने का रास्ता। चलिए अरे भाई देख गाइस कितनी छोटी छोटी मतलब इतना कम स्पेस है। कोई मोटा आदमी है तो फंस ही जाए इसमें। चलिए गाइस चलते हैं ऊपर की साइड। काफ़ी कम स्पेस है। फाइनली पहुंच गया हूँ ऊपर और यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो गाइस ये है फोर्ट के बाहर का व्यू। ये देखिए आप सामने आपको मेन रोड दिख रहा होगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको फोर्ट के अंदर का व्यू। तो गाइस ये है फोर्ट के अंदर का व्यू और ये सामने आप देख रहे हैं ये वाटर टैंक है।
गाइस काफ़ी शानदार व्यू आता है यहाँ से। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ पे खड़े होकर आप पूरे महल को निहार सकते हैं और इसमें लगे फव्वारे और इसकी हरियाली का लुत्फ उठा सकते हैं। वो जो सामने आप ऑडिटोरियम देख रहे हैं गाइस, वहाँ पे शाम को प्रोग्राम होता था, बट जब से कोरोना आया है तब से वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो गाइस ये था शनिवार वाड़ा फोर्ट का इतिहास। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हे गाइस, आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरे दिल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सी यू ऑल, बाय बाय।